अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बूनी। अल्हम्दुलिल्लाह रात तकरीबन 8 या 9 बजे तक हम यहाँ एग्जैक्ट बूनी शहर पहुँच गए थे। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया, रास्ता बूनी तक जो है वो बस ख़राब ही था कि एवरेज अगर लगाई जाए 100 में से कोई 10% रास्ता ठीक है, बाकी 90% बुरा हाल है, जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत परेशान भी हुए। तो तकरीबन 60% हमारा रास्ता अच्छा गुजर गया, लेकिन आखिरी जो 40 मिनट थे उसमें बारिश हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर हमें एक तो स्लो चलना पड़ा और दूसरा कैमरे शैमरे पैक करने पड़े। तो अपने एस्टीमेट से तकरीबन आधा घंटा जो है वो लेट यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बाहर अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से पहुँच गए हैं। होटल वगैरह भी हमें यहाँ पर अच्छा मिल गया था, वैसे तो यहाँ अच्छे होटल भी हैं, 4,000-5,000 तक डिमांड करते हैं। तो घूम फिर के फिर हमने अपने मुताबिक एक होटल ढूंढ ही लिया, तकरीबन 800 रुपये में हमें मिल गया है। तो अभी सुबह सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से निकल रहे हैं कॉकलश्त मेडोज़ के लिए। तो वैसे तो जुलाई, ये जून का एंड चल रहा है, तो वो मतलब अपनी असल हालत में नहीं होगी। मार्च अप्रैल और मई में कहते हैं कि वो सही वाली ग्रीन होती है, जो इसकी वायरल वीडियोज़ हैं। बाहर वाला बाएँ हैं तो एक नज़र उसको भी देखते चलें। तो अभी सुबह 5 बजे का टाइम है, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हम निकले हैं, तो कॉकलश्त मेडो देखेंगे और उसके बाद वापस आके इधर अपना सामान वगैरह उठा के शंदूर के लिए निकलेंगे। तो चलिए फिर आज के अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारा आज का जो दिन है वो भी खैर खैरियत से गुज़रे। ये है जी हमारे होटल के बिल्कुल सामने का व्यू, और ये हमारा कमरा है जो अभी इस वक्त हम लॉक करके जा रहे हैं। ये हमारी खड़ी हैं बाइक्स, रात हमने इनको यहाँ पे लॉक कर दिया था। अभी ये बाइक का भी थोड़ा सा काम करना है, ये थोड़ा सा एक मसला बना है कि इसका ये वाला हिस्सा जो है ना कुल के नट गिर गया है। अभी यहाँ से मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो कोई देसी जुगाड़ इसका भी लगाना पड़ेगा। चलिए बाहर निकलते हैं, रास्ते में मस्तूज भी पहुँच के कोई ना कोई जो मैकेनिक्स वगैरह की जो शॉप्स खुल गई होंगी वहाँ चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन अन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। या अल्लाह पाक तेरे फ़ासले पे हम अपने आज के सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे इस सफ़र को हमारे लिए आफियत वाला बना और हमें किसी भी किस्म की परेशानी से बचा, तो ही हम सबका देखने वाला ख्याल करने वाला है, तेरे सिवा हम किसी और से मदद नहीं मांग सकते। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं बूनी से कॉकलश्त मेडोज़ की तरफ। तो बूनी से जो कॉकलश्त मेडोज़ का फ़ासला आलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर है, 15-20 मिनट में हम आसानी से इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये है जी वो मशहूर ब्रिज जिसे क्रॉस करके हम बूनी में एंटर होते हैं। यहाँ से अगर राइट साइड पे जाएं तो शंदूर पास आएगा और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हमें कॉकलश्त मेडोज़ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा हमें फिर वापस जाना पड़ेगा। रात में हमने यही वाला सफ़र अंधेरे में ट्रैवल किया था, कुछ समझ नहीं आया था। उस्ताद सामने चेक करें, क्या ही खूबसूरत सुबह हो रही है। ये सामने पहाड़ पे किस तरह ये सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा है। तो ये सीन, ये नज़ारे उस वक़्त देखने को मिलते हैं जब हम सुबह सुबह उठ के अपने सफ़र का आगाज़ कर दें। तो ये किसी भी लंबे टूर पे या बाइक पे टूर पे निकलने के लिए एक बेहतरीन टिप है,
कि आप कोशिश करें कि जितना अर्ली हो सके अपने सफ़र का आगाज़ करें, जिसमें आपके पास एक तो मैक्सिमम ट्रैवलिंग के लिए टाइम होता है और दूसरा आप जो सुबह सुबह सीनरी को एंजॉय करते हैं ना, सारा दिन आपको वो वाली सीनरी दोबारा से इस खूबसूरती के साथ देखने को नहीं मिलती। रात के वक्त तो हमने ये सारे का सारा फासला अंधेरे में ट्रैवल किया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ से किस एरिया में से गुज़र रहे हैं, तो अल्लाह अल्लाह करके ही बुनी पहुँचे थे। तो बहरहाल अभी कुछ अंदाज़ा हो रहा है इस एरिया की खूबसूरती का, तो बड़ा ही एक खूबसूरत एरिया है ये बुनी, बहुत बड़ा कस्बा है। यहाँ पर तकरीबन हर ज़रूरत की चीज़ आपको मिल सकती है, पेट्रोल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा ख़्याल है कि बुनी से आगे फिर आपको ऐसा कहीं पे भी फंडर से पहले तक पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा जी, कोयक्लश्त जाने के लिए ये रोड के राइट साइड से ये ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है, तो रात हमने पुलिस से पूछा था तो उसने यही बताया था कि ये रोड ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी फ़िलहाल सुबह सुबह को टाइम है, यहाँ पे कोई बंदा परिंदा नहीं है, तो जिससे पूछ के हम कंफर्म कर सकें कि यही रास्ता है। तो बहरहाल इसके अलावा भी और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं आया, तो उम्मीद करते हैं कि यही रास्ता होगा कोयक्लश्त मैडो का। तो फिर अल्लाह का नाम लेके हमने अपनी बाइक्स इस रास्ते पे डाल दी हैं। तो बकौल मकामी लोगों के पक्का रास्ता ऊपर तक जाता है, बिल्कुल ओके, तो पक्का रास्ता यही वाला एक आया है। तो बड़ी ही स्टीप किस्म की चढ़ाई यकदम से स्टार्ट हो गई है, तो ये शो कर रही है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो साथ ये दरिया का मंज़र कमाल का होता चला जा रहा है जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है। तो ओवरऑल जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जून का एंड चल रहा है, तो उसमें फिर ये इलाका उस तरह से ग्रीन नहीं है जो इस इलाके की ग्रीनरी मशहूर है या जिस तरह की वीडियो इस एरिया की वायरल होती है। ये हैं जी कोयक्लश्त के मैडोज। इस वक्त चूँकि सीज़न थोड़ा सा आउट हो चुका है, तो इस वजह से ऐसा जो इसकी रियल व्यू होता है वो नहीं है फुल ग्रीन वाला। चलें बहरहाल आगे चल के देखते हैं कोई अच्छा सा व्यू पॉइंट हमें मिलता है, तो वहाँ फिर हम इंशाल्लाह ड्रोन उड़ाते हैं। साफ सुथरी जगह देख के ना ऊंचाई में ड्रोन लेके जाते हैं। नीचे बुनी से ऊपर आने तक तो बेहतरीन रोड बना हुआ है, बाकी ये मेडोज़ में इस तरह से ट्रैक बने हुए हैं जीप के, इसके अंदर जहाँ तक आप अपनी बाइक ले जा सकते हैं ले जाएं। तो अभी हम कोई सेफ जगह ढूंढ के उड़ाएंगे अपना ड्रोन। ले जी, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कोयक्लश्त मैडोज़ में। बुनी से यहां तक आने में तकरीबन हमें कोई 15-20 मिनट ही लगे हैं। बड़ा बेहतरीन किस्म का रोड बना हुआ है ऊपर आने तक। मैडोज़ के अंदर जब इंटर होते हैं तो इस तरह से ये जीप ट्रैक्स बने हुए हैं। तो वैसे तो ये अपने फुल खूबसूरती जब इसकी जोबन पर होती है तब ही देखने वाली है, वो होती है मार्च अप्रैल और मई के महीनों में। तो अभी मकामी लोगों के मुताबिक ये जल चुका है। तो वाकई इसकी जो वायरल वीडियोस मैंने देखी हैं वो कमाल का ही व्यू होता है। तो बहरहाल अभी हमारे लिए तो ये भी बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत व्यू है। वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अभी जस्ट निकला है, यानी 6 बजे हैं इस वक्त तकरीबन।
तो अभी फिर यहाँ पे हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। चलें आप भी इंजॉय करें थोड़ा सा इसको, इसके ड्रोन शॉट्स को। नहीं जी, शायद साहब ने उड़ा लिया ड्रोन। और भी